इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने लालच से दूरी बनाए रखने एवं किए गए उपकार के बदले प्रत्युपकार को रेखांकित किया है। बहुत पहले की बात है, अचलपुर नामक एक गांव था। वहां के लोग बड़े सीधे साधे और ईमानदार थे। उन्हें किसी बात का लालच नहीं था। धन दौलत सोना चांदी रुपए पैसे का महत्व हर युग में और लूटने के लिए क्या क्या अत्याचार नहीं करते। उन्हीं दिनों दो व्यक्ति महात्मा ज्ञानी जी के पास सोने के सिक्कों से भरी एक थैली लेकर उपस्थित हुए। दोनों ही थैली से मुक्ति पाना चाहते थे। समस्या यह थी कि उन दोनों में से कोई भी उस धन को लेने के लिए तैयार नहीं था। उन दोनों ने अपने दामादों को सिक्के से भरी वह थैली दान दहेज में देना चाहा, तो उन्होंने भी यह कहकर लेने से साफ मनाई की कि दहेज लेना बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने कहा, यह एक सामाजिक अपराध है। दहेज और देना दोनों ही गैर जरूरी और अमान्य है। कन्या एक रत्न है, उसके साथ दहेज लेने वाला असम्य और कठोर दंड का भागीदार होता है। इसके अतिरिक्त दान उसे लेना चाहिए जिसको उसकी जरूरत हो, अतः हम यह धन नहीं ले सकते। अब ज्ञानी जी के सामने भी यह विकट समस्या थी। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर यही प्रश्न किया, यह चकाचौंध करने वाला धन किसको दिया जाए। एक ने कहा, यह संपत्ति इस देश के राजा को सौंप दी जाए, क्योंकि वही इस देश और धरती का स्वामी है। राजा के पास यह संपत्ति जाएंगी तो वह अपने लिए थोड़े ही रख लेंगे। इस संपत्ति से समाज की भलाई का ही कोई काम करेंगे। यह संपत्ति राजा को देंगे तो वे हम पर खुश होकर हमारा सम्मान कर सकते हैं। इस पर एक आगंतुक किसान मित्र ने यह कहकर विरोध किया, सिक्कों से भरी वह थैली जिस खेत से मिली है वह मेरा था, किंतु उस खेत को वास्तव में मेरा यह मित्र जोतता बोता था। मेरा यह कहना है कि यह संपत्ति भी उसी को मिले। इस संपत्ति का असली हकदार वही है। दूसरे ने विरोध प्रकट किया, अचानक मिली यह दौलत मेरे खून और पसीने की कमाई नहीं है, यह मुफ्त की कमाई है। मुफ्त की कमाई फलदायी नहीं होती। इसे स्वीकार करके ईश्वरी न्याय और संपदा से विमुख नहीं होना चाहता। ज्ञानी जी उन दोनों मित्रों के उद्दत्त विचारों से गदगद हो उठे। अब उनकी प्रश्नवाची दृष्टि अपने दूसरे शिष्य की ओर उठी। उसका उत्तर था, नीति तो यह कहती है कि जब एक वस्तु लेने वाला कोई ना हो तो वह वस्तु किसी को दान कर दी जाए। यदि यह दान मुझे ही दे दिया जाता तो आगे की बात उस शिष्य के गले में ही अटक गई। वह गड़बड़ा गया क्योंकि ज्ञानी जी उसको घूरने लगे थे। अब तीसरे शिष्य की बारी थी। उसका कहना था, इस दौलत को फिर उसी जमीन में गाड़ दिया जाए। इस तरह कोई उस धन को लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ज्ञानी जी निराश हो गए। फिर उन्हें एक आशा की किरण आई दी। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में
अपने छोटे शिष्य से पूछा, यदि तुम मेरी जगह होते तो कैसा न्याय करते? शिष्य का यह भोला भाला उत्तर गुरुजी को पसंद आया। मेरी आत्मा कहती है कि धरती माँ ने यह दौलत किसी शुभ कार्य या लोकहित के लिए दी है। क्यों ना इस विस्तृत भूखंड में ऐसा सदाबहार बाग लगाया जाए जिसे तमाम लोगों को फल, पक्षियों को बसेरा और पथिकों को मुफ्त में छाया मिल सके। उसके विचार सबकी बांछे खिल गई। अस्तु, गुरुजी ने वह सारे सिक्के उसे सौंपकर उत्तम फलों के बीज खरीदने के लिए राजधानी की यात्रा का आदेश दे दिया। शिष्य ने अपने गुरु के आदेश को शिरोधार्य करके अपनी यात्रा का श्री गणेश किया। वह लगातार चलता रहा, मन ही मन सुंदर बाग की कल्पना भी करता जा रहा था। कई दिनों की यात्रा करने के पश्चात जब वह होनहार शिष्य राजधानी चौक बाजार में सर्वोत्तम बीजों की तलाश में घूम रहा था तो गुजरते हुए ऊंटों के एक काफिले का शोर उसे अचानक सुना। उसने देखा ऊंट पर एक व्यक्ति सवार था। देखने में वह मुखिया लग रहा था। उसके पास पिंजड़े में बंद पक्षी थे। उसमें घोर करुण चित्कार उन घायल और मौत से जूझते दम तोड़ते हुए पक्षियों का था, जिन्हें उस कारवा का मुखिया ऊंटों की पीठ पर जालों में फंसाकर खान साहब के महल की तरफ लिए जा रहा था। मौत से डरे मरे मरे से पक्षी मुक्ति के लिए छटपटा रहे थे। उस उदार हृदय युवक से वह करुण क्रदन नहीं देखा गया तो उसने मुखिया से बात की। मुखिया को समझाया कि प्राणी मात्र पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है। उसने कहा, इन निरीह पक्षियों को स्वतंत्र करके पुण्य की कमाई कर ले, क्योंकि पुण्य ही सबसे बड़ा कर्म है। उस निरीह पक्षियों को छोड़ देने का आकर मुखिया हाथ जोड़कर बोला, खान साहब इन चिड़ियों के बदले 500 नकद स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तुम्हारे पास क्या है जो मैं इन्हें छोड़ दूं? सभी प्राणियों का दर्द समझने वाले उस युवक ने सोने के सिक्के से भरी हुई थैली का मुंह उस लालची मुखिया के आगे खोल दिया। उस सुनहली दौलत को देखकर मुखिया की आंखें फैल गई। बात बात में सारे पक्षी मुक्त कर दिए गए। अब वह शिष्य मन मारकर अपने गुरु के पास लौट रहा था। मुक्त करते और चहचहाते गीत गाते चल रहे थे। फिर भी उस शिक्षक के पैर यह सोचकर मानो जड़ होते जा रहे थे कि वह अपने गुरु को क्या उत्तर देगा, क्या करने आया था और तैश में आकर क्या कर बैठा। इसी सोच में वह अभागा मृत्यु की कामना करते करते थक कर सो गया। नींद में स्वप्न में पक्षियों की मुक्त चहचहाट के बीच उन पक्षियों की रंग बिरंगी रानी उसके सीने पर फुदक फुदक कर जगा रही थी। उठो भोले भाले होनहार दयालु साथी, अपने सभी दुख भूल जाओ। हम सभी आजाद पक्षियों से मिलकर पहले ही तुम्हारे उस विशाल भूखंड में तरह तरह के फलों के बीज बो दिए हैं। आंखें खोलो और वहां जाकर देखो। जाकर उस मैदान की ओर सरपट दौड़ने लगा। उसके आगे पीछे और ऊपर तक न केवल पक्षियों की चहचहाट ही चहचहाट थी, बल्कि वहां
जाकर उसने यह भी देखा कि दुनिया भर के तमाम पक्षी अपनी चोंचों और पंजों से धरती खोद रहे हैं। शिष्यों के साथ कुछ लोग बीज बो रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। उसके गुरु और अन्य एकत्र जन मुक्ति के इस प्रतिदान का करिश्मा देखकर फूले ही नहीं समा रहे थे, बल्कि वे भी बागवानी में बढ़ चढ़कर हाथ बटा रहे थे। इस प्रकार लेखक ने इस कहानी के माध्यम से लालच से दूरी बनाए रखने एवं किए गए उपकार के बदले प्रत्युपकार को रेखांकित किया है। पाठ परिचय से कहानीकार लोगों को यह बताना चाहता है कि व्यक्ति को जीवन में उपकार के बदले प्रत्युपकार के लिए उद्यत रहना चाहिए। धर्म का लोभ मन में नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को केवल अपने परिश्रम की कमाई का ही उपयोग करना चाहिए। कहानीकार ने इस बात पर भी बल दिया है कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण प्रदूषित होता जा रहा है। हमें चाहिए कि हमें वृक्षों का संरक्षण करें तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। हमें लोगों को इस अधिकार की सुरक्षा करनी चाहिए। शब्दार्थ विकास यानी बड़ी विकराल, आंगतुक जरूरी अनावश्यक, असम्य जो